हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एक बारी फिर तो पंजाब न्यूज़ चैनल दे विच। ते हाजिर होए जी अज दोपहर दीआं ताज़ा चोणवीआं खबरां लैके। कृपा करके जिन्होंने हाले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता जल्दी तो जल्दी जाके चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो। ते जे मेरे द्वारा दित्ती जानकारी तुहानूं वधिया लगदी ते वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर करना ना भुलना। ते हुण गल्लबात करदे आं जी अज दीआं दोपहर दीआं खबरां दी। ते खबरां शुरू करन तों पहले एक बारी झात मारदे आं अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है जी, WHO दे मुखी ने दिती चेतावनी, इस तों भी भैड़ा समा अजे आउणा बाकी है। अमरीका च कच्चे तेल दीआं कीमतां च इतिहासिक गिरावट, पाणी नालों भी सस्ता। देश च अगले 10 दिनां दौरान चोटी ते पुजेगा करोना, फिर जाएगा हेठां, केंद्रीय टीम दे हत्थां च होवेगी पूरी कमान। नहीं रुक रहे सोने च गिरावट, लगातार तीजे सैशन च डिगे भा, जाणो की हन हुण कीमतां। करोना तो बचा लई फौज ने अधिकारियों ते सेना लई जारी कीते अहम निर्देश। अमरीका च डालर कमाउण दा सुफने चकना चूर, ट्रंप वालों रुजगार लई दूजे देशों तो आने वाले नागरिकां ते रोक। करोना खिलाफ जंग लड़ रहे योध्यां लई कैप्टन सरकार दा वड्डा ऐलान। पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियां च काम दे घंटे वधाए। दिल्ली सरकार ने 23,000 आटो चालकां दे खाते च पाए 5,000 रुपए। पंजाब भर च गूंजे बोले सोने हाल अते हर हर महादेव दे जयकारे। CBSE बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th रिमेनिंग एग्जाम डेट 2020 बोर्ड परीक्षावां लई नहीं होणगीआं रद्द, बाकी विद्यार्थियों नूं कीता जाएगा प्रमोट। दफ्तरां च करोना तो किवें बचा जा सकता है, सेहत विभाग ने जारी कीतियां हदायतां। हुण तक दुनिया भर च करोना कारण लगभग 7 लाख लोगों की मौत, 24 लाख तो वधेरे इनफेक्टड। भारत में करोना पीड़ितों की संख्या 18,601 ते हुण तक 590 लोगों की मौत। अमेरिका मगरों भारत चीन विचाले खड़की, भारतीय कार्रवाई मगरों भड़किया चीन। तां दोस्तों ये सीगियां अपनी समय दीआं चोणवीआं खबरां ते हुण गल्लबात करदे आं जी अज दी पहली वड्डी खबर दी। COVID-19 WHO दे मुखी ने दित्ती चेतावनी, इस तों वी भैड़ा समां अजे आउणा बाकी है। विश्व सेहत संगठन WHO दे मुखी ने करोना वायरस बारे चेतावनी दिंदे होए कहा कि इस तों वी बुरा वक्त अजे आउणा बाकी है। अजिही स्थिति दे संदर्भ विच उन्हां कहा कि कुछ देश अजिहे हन जिन्हां ने पाबंदी लाउणा शुरू कर दित्ता है। हालांकि इस बारे स्पष्टीकरण नहीं दिता क्योंकि उसनों क्यों महसूस होया कि भविख में स्थिति बद तो बदतर होंगी जाएगी। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा एकत्र किए आंकड़े अनुसार करोना वायरस नाल लगभग 25 लाख लोगों संक्रमित होया, जदों कि 1.6 लाख लोगों की मौत जी हो चुकी। हालांकि कुछ लोगों ने संकेत दिता कि यह लाग भविख में अफरीकी देशों में फैल जाएगी जिथे सेहत सहूलत बहुत माड़िया हैं। इसलिए आने वाला समा काफ़ी माड़ा साबित हो सकता है। इस तो अगली बार खबर जी, अमरीका च कच्चे तेल दीआं कीमतां च इतिहासिक गिरावट, पानी नालों भी सस्ता होया तेल। ग्लोबल इकनोमी ते करोना वायरस महामारी का किन्ना असर हो सकता है, इसकी उदाहरण अमरीकी बाजार में देखने को मिली है। ग्लोबल पद्धर से जारी करोना संकट विचाले अमरीकी कच्चे तेल की कीमत में इतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। मंग ना होने कारण तेल दीआं कीमतां विच 0.1 डालर प्रति बैरल तो हेठा पहुँच गई है। दस दईए कि दुनिया के 185 तो ज़्यादा देश करोना वायरस की लपेट में हैं। करोना वायरस संकट कारण दुनिया भर से घटी तेल की मंग के चलते इसकी कीमतां लगातार हेठा जा रही ने। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, देश च अगले 10 दिनों दौरान चोटी ते पुजेगा करोना, फिर जाएगा हेठा, केंद्रीय टीम के हत्थों च होगी पूरी कमान। करोना वायरस खिलाफ लड़ाई अगले 10 दिनों भारत लई सब तो ज़्यादा चुनौतियों वाली साबित हो सकती है। ICMR के खोजकार अनुसार 30 अप्रैल तक वायरस का प्रसार तेज वेखेगा ते इसके लिहाज नाल रोजाना संक्रमण की गिनती भी वधेगी। भाव भारत च करोना वायरस अपने चरम सीमा ते होगा पर उस तो बाद ग्राफ हेठा आने लगे। यही कारण है कि जिहड़े जिले च करोना के नवे मरीजों की गिनती तेजी नाल वध रही है, उसकी कमान केंद्र सरकार ने अपने हत्थों में लै ली है। 6 अंतर मंत्रालय महा टीमों का गठन कर दिता, इस नाल 2-2 महाराष्ट्र ते पछमी बंगाल लई है ते 1 मध्य प्रदेश ते राजस्थान लई बनाई गई है। इस तो अगली वड्डी खबर जी, नहीं रुक रही सोने च गिरावट, लगातार तीजे सैशन च डिगे भा, जाणो की ने हुण कीमतां। सोने दीआं वाधा कीमतां विच गिरावट का दौर सोमवार नूं भी जारी रहा।
इस तरह सोने के वाधा भाव में गिरावट का लगातार तीजा कारोबारी सैशन है। शुक्रवार को सोने के वाधा भाव लगभग 1550 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट नाल बंद हुए सन। सोमवार सवेरे 5 जून 2020 के वाधा भाव 245 रुपए की गिरावट के नाल 45,490 रुपए प्रति 10 ग्राम से ट्रेंड कर रहा है। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, करोना तो बचा लई फौज ने अधिकारियों ते सेना लई जारी किए अहम निर्देश। फौज ने करोना तो बचाव नूं लैके छुट्टी ते गए सिपाहियों लई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए ने। सेना विचों जारी एक निर्देश विच कहा गया है कि अधिकारियों ते सिपाही पड़ावार अपनी ड्यूटियों विच शामिल होणगे। सेना ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि बहुत सारे सैनिक छुट्टी ते आ रहे हैं, अस्थाई ड्यूटी ते दोबारा ज्वाइन करने के विस्तार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सेना ने कहा है कि जिहे सारे सैनिक जिन्होंने 14 दिन के क्वारंटाइन नूं पूरा किया है उन्होंने हरे रंग नाल दर्शाया जाएगा। इस तो अगली बार खबर जी, अमेरिका च डॉलर कमाउण दा सुपना चकना चूर, ट्रंप वालों रुजगार लई दूजे देशों तो आने वाले नागरिकां ते रोक। करोना महामारी ते तालाबंदी दे विचकार अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमीग्रेशन नूं अस्थाई तौर ते मुअत्तल करन दा फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप अज इस कार्यकारी आदेश ते हस्ताक्षर कर सकते ने। ट्रंप ने उन्होंने इस कदम का पक्ष पूरदया कहा कि तालाबंदी दौरान दूजे देशों तो रुजगार लई आने वाले लोगों ते पाबंदी लाई जाएगी जो अमरीकी नागरिकों लई वधेरे नौकरियां मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि देशव्यापी तालाबंदी का देश की आर्थिक प्रणाली से माड़ा प्रभाव पै रहा है, इस नाल देश विच बेरोजगारी वधेगी। अजिही स्थिति विच अमरीका दीआं नौकरियां दी राखी लई इह कदम जरूरी सी। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, करोना खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धियों लई कैप्टन सरकार का वड्डा ऐलान। करोना वायरस खिलाफ मोर्चे के डटे पंजाब पुलिस के कर्मचारियों से करोना वायरस की संभावना होते हुण उन्होंने घर तो दूर रहने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। पंजाब पुलिस के जवानों क्वारंटाइन करने की लोड़ पैण ते उन्होंने यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। करोना की संभावना होते मुलाजमान क्वारंटाइन करने वख-वख जिलों केंद्र बनाए जाएंगे। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, पंजाब सरकार ने फैक्ट्रियों काम के घंटे वधाए। सूबे में करफ्यू कारण मजदूरों की घाट के मद्देनजर फैक्ट्रियों काम के घंटे वधाने संबंधी पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हुण किसी भी दिन 9 घंटे की बजाय 12 घंटे मजदूरों को काम करने की छूट होगी। इस संबंधी उन्होंने जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जी, वह तो स्क्रीन पर तुसीं देख सकते हो। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, दिल्ली सरकार ने 23,000 आटो चालकों के खाते च पाए 5,000 रुपए। नवें दिल्ली देश अते दुनिया में करोना का कहर जारी है। सरकार लगातार गरीब लोगों के दिहाड़ीदारों की सहायता कर रही है। इस दे तहत दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को कहा कि करोना वायरस लॉकडाउन दौरान कुल 23,000 आटो रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए की सहायता दी गई है। गहलोत ने दसिया कि सरकार नूं कुल 1,60,000 अर्जियां मिलियां ने। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, पंजाब भर च गूंजे बोले सो निहाल ते हर हर महादेव दे जयकारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सद्दे उपर करोना वायरस महामारी विरुद्ध एकजुटता दा विखावा करन लई जिथे थालियां वजाउण ते बत्ती बंद करके दीवे जगाउण वर्गे विलक्षण प्रदर्शन कीते गए ने, उते हुण पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने भी करोना विरुद्ध लोगों की एकजुटता प्रगटावे ते केंद्र सरकार तो पंजाब लई संकट की औखी घड़ी च खतरे के मद्देनज़र वित्तीय ते होर सहायता प्रदान करन दे मुद्दियां नूं लै के कल पंजाब भर च जयकारा घोष दिवस मनाया गया, जिस वेल सारे पंजाब के लोगों वालों अपने अपने धर्म नाल रिलेटड जयकारे लाए गए। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, बोर्ड प्रीख्यावां नहीं होणगियां रद्द, बाकी विद्यार्थियों नूं कीता जाएगा प्रमोट। CBSE बोर्ड क्लास 10th and 12th रिमेनिंग एग्जाम डेट 2020 केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड वालों डेटशीट का इंतजार कर रहे बोर्ड के विद्यार्थियों लई जरूरी खबर है। दरअसल CBSE ने साफ कर दिता है कि बोर्ड दीआं रहिंदीआं प्रीख्यावां रद्द नहीं होणगीआं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के खुलण तो बाद प्रीख्यावां करवाईआं जाणगीआं। ये गल बोर्ड नाल जुड़े अधिकारी ने कही है। CBSE बोर्ड के अधिकारी ने दस्सिया कि मुअत्तल कीतीआं गईआं प्रीख्यावां रद्द कीते जाण दी कोई संभावना नहीं है, जिहड़ीआं प्रीख्यावां हर हालत विच लईआं जाणगीआं। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, दफ्तरां च करोना वायरस तो किवें बचा जा सकदा, सिहत विभाग ने जारी कीतीआं हदायतां। दफ्तर दे विच करोना वायरस बीमारी नूं फैलण तो रोकण लई सिहत विभाग वल्लों हदायतां जारी कीतीआं गईआं ने।
ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इस तो अगली वड्डी खबर जी, हुण तक दुनिया भर च करोना कारण 1.7 लाख लोगों की मौत, 24 लाख तो वधेरे इनफेक्टड। करोना वायरस महामारी कारण दुनिया भर में हुण तक 1.7 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। जान जापकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक मंगलवार सवेर तक दुनिया भर च करोना वायरस के इनफेक्शन के मामलों की कुल गिनती 24,77,426 हो गई है। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 18,601 ते हुण तक 590 लोगों की मौत। भारत में हुण तक कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 18,601 तक पहुँच गई है। लंघे 24 घंटे च कोरोना वायरस के 1,336 नवे केस सामने आए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हुई है। तो हुण तक भारत में कुल 590 लोगों की कोरोना वायरस कारण मौत हो चुकी है। इस तो अगली वड्डी खबर है जी, अमरीका मगरों भारत चीन विचाले खड़की, भारतीय कार्रवाई मगरों भड़किया चीन। अमरीका तो बाद हुण भारत ते चीन विचाले भी व्यापारिक जंग शुरू हुंदी नज़र आ रही है। भारत ने सीधे विदेशी निवेश नीति विच सोध करदे चीन ते सिकंजा कस दिते। इस मगरों चीन ने सख्त इतराज जताया कि चीनी दूतावास के बुलारे जी रोंग ने कहा कि उन्होंने आस है कि भारत नवी नीति ते विचार करेगा ते वख-वख मुल्कां दे निवेशकां नाल एक सार विहार करेगा। तो दोस्तों, ये सीगियां अपनियां समय दियां वड्डियां खबरां। साडे दवारती जानकारी तुहानू किदां दी लगी, सानू कमेंट बॉक्स विच कमेंट जरूर करना ते असीं हाजर होवांगे तुहाडे लई होर नवीं खबरां लैके। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद दोस्तों।